तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि व्लॉग आपको लेट मिलेगा, सो इसलिए एडवांस ईद मुबारक अगर लेट भी मिले तो आप लोगों ने खैर मुबारक ज़रूर कहना है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना कॉलेज में ही मेरी और मेरी फ्रेंड ने मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा फ्री था। सो मेरे हाथ पे ऐसी डली थी, ठीक है, और दूसरे हाथ पे इस तरह की डली थी। ये सब ना मैक्सिमम एक या दो दिन पहले चांद रात से ये हमने मेहंदी डाली थी। फाइनली चांद रात के क्लिप्स आ जाते हैं जिसमें हम लोगों ने पटाखे चलाने थे और मेरे बहन भाइयों ने अपने वाले पटाखे सारे जला दिए थे पहले ही, और ये थोड़े से जो मेरे बच गए थे ये मैंने कहा कि चलो इसको जलाओ, और फिर मैंने इन्हीं के क्लिप्स व्लॉग में डाले हैं। तो गाइज, मेरे भाई की जो बर्थडे होती है वो 15 अप्रैल को होती है। ये वाली जो है ना हम लोगों ने दो दफ़ा सेलिब्रेट की थी, एक दफ़ा हमने रमज़ान में सेलिब्रेट की थी और एक दफ़ा हमने जो है ना इसके कज़न के साथ सेलिब्रेट की थी, लेकिन उसके कोई नाम शाम नहीं लिखवाया था हमने, ठीक है। सो गाइज, जो मैंने नेल पेंट लगाया था वो फिटमी का था और इसका नंबर 122 था। सो गुड मॉर्निंग गाइज, ईद मुबारक, और बहुत बुरा हाल है बट हम क्योंकि रात को लेट हुए इसलिए। सो गाइज, सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वाला था, गर्मी नहीं थी बिल्कुल, और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, ये मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस है। एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर ईद। सो गाइज, मेरी और मेरी सिस्टर के ड्रेस वैसे भी सेम थे और यहाँ पे हम दोनों रेडी हो चुके हैं। सो फाइनली फर्स्ट डे ऑफ ईद इज ओवर। सो जो ज्वेलरी थी ये वाली जो है ना मेरे सिस्टर की थी, और इसने फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों ड्रेसेस के साथ यही पहना था, और मेरे फर्स्ट डे ये पहने थे अपने वाइट वाले ड्रेस के साथ, और गले में कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ जो है ना मैंने ये इयर रिंग्स पहने थे, और सेकेंड डे पे मैंने चोकर पहना था जो कि पीछे से इस तरह है, ठीक है। सो गाइस, सेकेंड डे का ड्रेस मेरा ऐसा था और इसके साथ मैंने चोकर पहना था और साथ इसके जो है ना पर्पल कलर के कुर्ते थे, लाइक दिस। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। और आप सबको ईद मुबारक, आई होप कि मुझसे अगर जल्दी एडिटिंग हो गई तो ये आप तक जल्दी पहुँचेगा व्लॉग। तब तक अल्लाह हाफिज़।